अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं और मुकेश सहनी जो वीआईपी के सर्वे सर्वा हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन सबसे लेकिन दूसरी हुसैन है, तो ये तस्वीर दर्शाती है कि कहीं ना कहीं नेताओं में राजनीतिक मतभिन्नता जो भी हो लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी बहुत कम देखी जाती है। और इस कहीं ना कहीं कि महागठबंधन के नेता गायब हैं। अभी आप ये कह सकते हैं कि लोजपा के दूसरे घटक के जो दल नेता हैं चंदन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रिंस, देखो शराब हराम है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया जा रहा है हम की तरफ से एक गिफ्ट, कहिए कि शराब हराम है, यानी बंदी कानून की का भी समर्थन किया गया है और एक संदेश दिया गया है कि दावत इफ्तार के मौके पर जो पाक का महीना है रमजान का महीना है और आज अंत वो मुकेश सहनी यहाँ पे मौजूद हैं और हम अपनी तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि किस तरह से उद्योग मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद हैं यहाँ पे, जो उत्पाद रौनक है वो रौनक बढ़ जाए इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इफ्तार के बहाने इन लोगों ने यह दिखाने की जरूर कोशिश की है कि राजनीतिक मतभेद भले ही हमारे अलग अलग हों लेकिन मनभेद नहीं है। या दीपावली हो या होली हो, हम लोग के इंडिया में यही खूबसूरती है कि सब तरह के लोग उनके जगह पर जाते हैं चाहे वो धर्म जिनका हो। तो आज रमज़ान का महीना है, यहाँ पर सिर्फ माइनॉरिटी मुसलमानों का नहीं है, ये सबका है। यहाँ आ करके जो अंदर खाने में कहीं कुछ दूरियाँ होगी उसको मिटाने का प्रयास किया गया और सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको दिया, अच्छा लगा। क्या कहेंगे तेजस्वी आ गए, अंत भला तो सब भला। ना ना आज जान ही रहे, दो तीन जगह आज न्योता था तो दो तीन जगह हम लोग गए। पहले महागठबंधन कांग्रेस का, उसमें गठबंधन ने पूरी तरह से फूटता दिखाई है इसी के मामले। नहीं, हम लोग तो जब साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम सब एक दूसरे के पर्व त्योहार दुख और सुख में उसके भागीदार बने। और बिहार के सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी हम सब के अभिभावक स्वरूप में हैं और लंबे अरसे तक हम लोग बिहार विधानसभा में साथ काम किए हैं और स्वाभाविक है कि उनका स्नेह भरा आमंत्रण मिला था तो बरबस हमको पहुंचना ही था। नहीं, लेकिन एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश भी की गई है क्या? कोशिश नहीं की गई, ये एक स्वाभाविक संदेश है। हम सब मिलकर काम करते हैं, मिलकर विगत लंबे अरसे से हम सब काम कर रहे हैं, विगत 15-16 वर्षों से, तो ये एक स्वाभाविक संदेश है। यह संदेश दे नहीं रहे हैं, मतलब एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। आपको शक है क्या? चाहिए और अच्छे सेंस में प्रोजेक्ट ने टोपी और टीका दोनों लगाया है। अच्छा है ना, हम लोग तो टोपी और टीका वाले पार्टी हैं, हम लोग तो दोनों सब धर्म में विश्वास करते हैं, ईद बकरीद होली दिवाली सब मनाने वाले लोग क्या हैं। कहेंगे आज जिस तरह से आप लोगों ने एकजुटता दिखाई है एनडीए गठबंधन के लिए, क्या संदेश इसके? नहीं, संदेश नहीं इसको किसी तरह संदेश है, ये तो इफ्तारी है, मांझी जी ने सब पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने किया, हमने भी आज अपना किया, सब लोगों को आमंत्रित किया, सब लोग पार्टिसिपेट किए, अच्छा है, खुशनुमा माहौल में सब लोग पार्टिसिपेट किए। लेकिन ऐसे भी देखने को मिलता राजनीतिक मतभिन्नता के बाद जिस तरह से एक दूसरे के प्रति यहाँ पे, ये तो अच्छी बात है ना, इट इज गुड साइन ना कि बिहार जैसा प्रदेश जो है उन सभी पॉलिटिकली डिफरेंट लोगों के साथ भी साथ में, तो अच्छी बात है ना। पार्टी में सब लोग जाते हैं, सभी दल के लोग जाते हैं, इसका कोई सियासी मीनिंग नहीं है, भाईचारे का संदेश देना है। लेकिन राजनीतिक मतभिन्नता के बावजूद भी जिस तरह से यहाँ एकजुटता दिखती है, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव दिखता है, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि विभिन्न राजनीतिक मंचों पर भी काम करने वाले लोग ऐसे मौके पर एक साथ आ जाते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद।